अरे सिगरेट पी रहे हो क्या? बताना मत किसी को, मेरी इनविजिबल सिगरेट है। और देखो बगल में आके कौन बैठा है। हेलो भोटू, ठंड लग रही है। मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनार। सो अच्छी खासी धूप आ गई है 6:30 बजे ही। तो देखो कुछ इस तरीके से नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से अभी। और रात को हमने इसी कैंप में स्टे किया और ये यहाँ पे किचन थी जहाँ पे हमने खाना वाना खाया। अभी करीबन सुबह के 6:30 हो गए और धूप देखो कितनी अच्छी खासी आ गई है यहाँ पे। और रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण हमको यहीं स्टे करना पड़ा, लेकिन हम यहाँ 5 बजे करीब पहुँच गए थे और करीबन यहाँ से अभी भी 8-10 किलोमीटर है मंदिर का रास्ता। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ट्रैक करते हैं अपना स्टार्ट। पहले करते हैं कुछ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद रास्ते में आपको दिखाता हूँ बेहतरीन चीज़ें। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है आपका पनार बुग्याल, खूबसूरत वादियों के बीच में। देखो यहाँ से पूरे नज़ारे पहाड़ों के दिख रहे हैं बर्फ़ से भरे हुए। और अभी हमें ट्रैकिंग करते हुए ये मंदिर इस पहाड़ी के पीछे है, वहाँ जाना है। और अभी काफ़ी है 8-10 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हो। ये पूरे बुग्याल हैं घास के मैदान। और यहाँ पे हमने स्टे किया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे स्टे रहता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितने यहाँ पे चार्जेस वगैरह रहते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे कैंप्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे कैंप्स हैं, ये रूम्स वगैरह छोटे छोटे, नीचे आपको सोना पड़ता है। और किचन विचन यहाँ इनकी अपनी ऐसी रहती है। वॉशरूम के लिए यहीं कहीं आपको जाना पड़ता है, डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन सर्वाइवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। इससे जो हमने रेंट दिया है यहाँ पे स्टे का, वो 1200 रुपये है। और खाने का उसी में इंक्लूड रहता है, एक टाइम का खाना। जैसे रात को आप पहुँच रहे हो तो 1200 रुपये के साथ उसमें खाना रहेगा आपका, रोटी सब्जी दाल जो भी रहता है। बाकी मॉर्निंग में आप यहाँ से चलो अच्छे से फ्रेश होके और अपने रास्ते लगो यहाँ पे। तो अब हम यहीं पे देखो ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा, तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब तो नीचे से वैसे ये झंडा भी दिखता है कई बार। तो कल फॉग था काफ़ी ज़्यादा, धुंधला हो रखा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो कल दिखा रहे हैं कुछ। तो ये यहाँ पे आगे हम बढ़ रहे हैं। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और बारिश में आगे चलना ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता था हम लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ठंडा ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद बारिश भी आ गई थी। फिर बारिश भी ऐसी थी जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, एकदम फ्रोज़न फॉर्म में। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही थी। तो सबसे बढ़िया हमें यही लगा कि यहाँ पर स्टे करें और स्टे करके अगले दिन चला जाए। बाकी देखो आप कितने सुंदर बुग्याल हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट का ही अपना छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। और बढ़ रहे हैं आगे। सो पनार के बाद भी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। जब तक आपका ये पितृधार नहीं आ जाता, देखो कुछ इस तरीके से चढ़ाई है। ये एलिवेशन देखो कैसी है। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है यहाँ से अभी। बस ये है कि अभी स्टार्ट किया चलना तो एकदम से चला नहीं जा रहा है, ऐसे ही से 5 केदारों में से सबसे टफेस्ट ट्रैक नहीं कहते हैं, क्योंकि और ट्रैक्स में चढ़ना उतरना होता ही रहता है, बट इसमें क्या है कि स्टार्टिंग से ही आपकी खड़ी चढ़ाई है और इस खड़ी चढ़ाई में चढ़ना सबसे बड़ी महाभारत है। लेकिन इस ट्रैक की यही ब्यूटी है सबसे बड़ी, कि आप स्टार्टिंग से इतना हसल करते हुए आते रहते हो। देखो मेरी सांस भी कितनी ज़्यादा फूल रही है और हवा इतनी ठंडी है कि अगर मैं जैकेट का हल्का सा ये भी खोल दूँ ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर छाती में या फिर पूरे शरीर ठंडा हो जा रहा है। तो आप भी कोशिश करना कि यहाँ पर अपनी अच्छी खासी जैकेट कैरी करके चलो। और हाँ, मुझे कल एक चीज़ ना और महसूस हुई,
दिन के समय ना आप एक विंड चीटर टाइप का रखना, ऐसे क्विल्टेड जैकेट मत रखना, क्योंकि होता क्या है कि आप क्विल्टेड जैकेट रखो और वो दिन भर आप पहन रखी आपने और वो स्वेटिंग से ना गीली हो जाती है, फिर क्या होता है रात को और ठंडा लगता है उसमें। तो अपना एक विंड चीटर रखो जिससे कि विंड चीटर में आपको ऐसे हवा भी ना लगे ज़्यादा और आपकी स्वेटिंग हो, तो आप रात को उसको बदल के अपना क्विल्टेड जैकेट पहन लो जिससे कि आपकी ये ठंड बच सके। कैप वगैरह तो रख ही लो, कई लोगों के कान में हवा लगती है, सर में हवा लगती है तो सर दर्द हो जाता है, तो वो चीज़ आप खास ध्यान रखें यहाँ पे। हाँ जी, तो आज ट्रैक का है दूसरा दिन और इस ट्रैक का दूसरा पड़ाव जिसमें हम आज कवर करेंगे 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे पितृधार, जो इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। देखो वहां से अभी चले थे हम, इतना कवर कर लिया हमने अभी, और मन कर रहा है इन पहाड़ों को बस देखते ही रहे। रात को यहाँ पे बर्फबारी होने लग गई थी काफी ज्यादा, इन पहाड़ों में तो पूरे पहाड़ ढक चुके थे और ये वाले तो अभी दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हल्का हल्का फॉग सा हो रखा है। आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, वैसे कई लोग जो उत्तराखंड से होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये जो जगह चमोली में है रुद्रनाथ, ये आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और आई थिंक ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मिर्ग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखते हैं, कस्तूरी मिर्ग यहाँ पे काफ़ी होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। बाकी नज़ारे अब यहाँ से कुछ अलग ही हो गए हैं, अब थोड़ा और इधर हमें इसके आगे जाना है, ये पूरा इसको क्रॉस करके फिर उसे पीछे जाना है, वहाँ से पूरा ये स्नो कैप व्यू आपको दिखेगा और नीचे देखो यहाँ पे जंगल वगैरह है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में, इस फॉरेस्ट में ही बाघ वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा सा खतरा तो रहता है, बट खतरे के आगे ही आप पुश करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। अब देखो यहाँ पे धूप छिप चुकी है तो ये रास्ते पर लगा रहता है, कहीं पे ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो उनकी वजह से कहीं कहीं पे धूप छिप जाती है। जय भोले। वीडियोस के माध्यम से जब भी आप ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को देखते हो तो कई बार आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आप इस जगह जा पाएंगे या नहीं, क्या आपकी एज के हिसाब से ये सही ट्रैक है। तो चलिए कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए। झांसी यूपी से आए, अचानक प्लान बना आपका, पांच केदार यात्रा पूरी है अब, बस चौथा है ये, बस मत महेश्वर रह गया है। अच्छा अच्छा, हमारे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, कैलाश मानसरोवर, पंच कैलाश जी, ये सब हम लोग किए हुए हैं। मुमक्कल प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा अच्छा, क्या आपको इंस्पायर करता है ये सब करने के लिए, मतलब क्या ऐसे आपको प्रेरित करता है कि? शिव भक्ति है। शिव भक्ति, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग लोगों के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं जी, हम लोगों के अंदर ये भाव है बिल्कुल। और जैसे सर ने बताया शिव भक्ति है, उसी में इतनी शक्ति है कि आपको चाहे वो कितना भी मुश्किल ट्रैक क्यों ना हो, आप मानते हैं तो कहीं भी चढ़ सकते हैं। और सर की एज के हिसाब से भी सर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, हमारे हम काफ़ी आगे थे लेकिन उन्होंने इजीली हमको भी पकड़ लिया है यहाँ तक। आप भी कर सकते हैं इस ट्रैक को, बस हिम्मत चाहिए और आपके अंदर वो भक्ति का भाव होना चाहिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाइस, मुझे अभी यहाँ पे ना एक वो कौन सी बकरी होती है वो पहाड़ों वाली, बाघ बकरी जैसे होती है, अभी बस यहीं पे खड़ी थी यहाँ पे, और जैसे ही मैंने कैमरा निकाला वो भाग गई। बहुत ही खूबसूरत थी, उसके बड़े बड़े बाल थे। इस खूबसूरत से जानवर का नाम था हिमालयन टहर, जो कि इस हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब जाते हुए बस यही सोच रहा था कि दोबारा से दिख जाए एक बार, लेकिन जब मैं मंदिर से वापस लौट रहा था तो मुझे दोबारा से दिखा और इस बार मैं इसको फिल्म भी कर पाया, तो देखो कुछ ऐसा दिखता है ये।
हर हर महादेव। जय बाबा की। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और काफी लोग अभी उतर भी रहे हैं, हम लोग तो अभी चल रहे हैं, लेकिन काफी लोग उतर रहे हैं, आप देख रहे होंगे वहां से पूरा एक कारवां नीचे उतर रहा है। ये देखो आप, ये सब मंदिर से सुबह दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। अब तो ये रात को ही पहुंच गए होंगे मंदिर पे, और अब सुबह सुबह आरती अटेंड करके अब ये सीधा नीचे सग्गर गांव तक जाएंगे। बाकी यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारे। अभी इस जगह पे अभी भी फॉग है, बट थोड़ा अभी और धूप आ जाएगी ना तो ये पूरा आपको वाइट दिखेगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। अब क्योंकि इस जगह के इतिहास से मैं काफ़ी कुछ वाकिफ था, तो इसलिए रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा था कि कई हजार साल पहले पांडव भी यहाँ से गए होंगे। महाभारत के समय पांडवों पे अपने भाइयों के हत्या का पाप लगा हुआ था, जिससे उनको सिर्फ भगवान शिव ही मुक्त कर सकते थे। तो इसलिए पांडव यहाँ पे पांच केदारों में से एक केदार में भगवान शिव के दर्शन के लिए आए थे। तो भैया ने भी हमें बताया कि वहाँ पे एक जो ये दिख रहा है आपको यहाँ नीचे इस जगह पे, तो यहाँ पे अनुसुईया माता मंदिर है, और यहाँ से भी ट्रैक करते हुए लोग नीचे जाते हैं। तो भैया आप पोर्टर हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो अगर सबसे ऊंचा टॉप दिख रहा है वो चंद्रशिला है। अच्छा, ये तुंगनाथ का। अच्छा, मैं एक बार दिखाता हूँ। एक फ्लैग दिख रहा होगा आपको। कौन सा वाला बता रहे हैं? बीच वाला सबसे ऊंचा है ना। अच्छा, ये वाला। उस पर हल्का सफेद दिख रहा होगा आपको। हाँ हाँ। वो चंद्रशिला है तुंगनाथ। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर ये तोली ताल है। अच्छा अच्छा, ये तोली ताल है। ये यहाँ पनार से जाता है कल्पेश्वर का रास्ता पैदल, अगर पैदल ट्रैक करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तोली ताल हो के, अच्छा, वो रोड दिख रही है उधर, वहाँ उसके पीछे कल्पेश्वर है। अच्छा, ये इधर नंदा देवी आ गई। अच्छा, ये सबसे ऊँची। अच्छा, नंदा घुंघटी है। अच्छा, इधर द्रोणागिरी है, बीच में त्रिशूल है। अच्छा, इधर ये हाथी घोड़ा आ गया। अच्छा, ये हाथी घोड़ा। इसके पीछे आपको पितरधार से दिखेगा चौखम्मा सीधा रघुनाथ के पीछे। अच्छा अच्छा, चौखम्मा उसके पीछे मधुमेश्वर है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है भाई, जाओ अब थोड़ा। ये पितरधार आ गया सामने में। ठीक है सर, ओके। अच्छा अच्छा, दिन में भोग होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। सो ये हमारे पोर्टर भाई साहब जो यहाँ पे लोगों को पूरा गाइड करते हुए ले जाते हैं। तो उन्होंने जैसे दिखाया आपको ये पूरे नज़ारे, कौन कौन सा क्या पर्वत है, और ये नीचे आपका अनुसुईया माता मंदिर, सामने तुंगनाथ का चोटी दिख रही थी। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं अभी। तो जैसे वो बता रहे थे, आपको भी हम सबको जानने को मिला है कि 12 बजे से पहले पहले आप पहुँच जाएंगे तो वो भूख लगता है भगवान को, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कपाट बंद रहते हैं, फिर शाम को आरती पे खुलते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अगर ऐसे टाइम पे पहुंच रहे हैं तो भूख से पहले पहले पहुंच जाएं। और ये देखें, देखो यहाँ पे तो बर्फ़ ही पड़ी है, जितनी हाइट में जाते रहेंगे आपको बर्फ़ वगैरह दिखती रहेगी यहाँ। अभी इस साइड वाली धूप आ जाएंगी तो ये पिघलने लग जाएगा पूरा। और नज़ारे क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, बस मन कर रहा है यहीं बैठ जाएं और देखते रहें नज़ारों को। सो दोस्तों देखो, अब ये पितृधार जो जगह है कुछ दिखने लग गई है यहाँ से, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये इसके बाद थोड़ा ट्रैक इजी हो जाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी सुबह पनार में जैसे हम निकले थे पनार से, तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन कर रही थी, और एकदम से हाइट स्टार्ट हो गई थी तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। वो आपको भी हो सकती है, लेकिन अभी अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो थोड़ी देर अगर आप चलते रहते हैं 15-20 मिनट, तो उसके बाद क्या होता है आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है और फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। सो अभी चलते रहिए बस, धीरे 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 धीरे, और भागिए मत यहाँ पे, क्योंकि भागोगे ऑक्सीजन लेवल वैसी लो है, फिर ब्लीडिंग हो सकती है,
नाक से मुंह से, सो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और देखो इसके बाद नज़ारे तो देखने लायक होंगे, क्योंकि जब ये चीज़ आ जाएगी ना आपकी, तो इसके बाद आपको पूरा वो स्नो कैप व्यू दिखाऊंगा मैं। सो आई होप यू आर एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं आगे, वहाँ से देखेंगे। ये देखो रास्ते में यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बर्फ जैसा हो रखा है ना, ये पत्थरों में भी जमा है, और थोड़ा भी आपका पैर फिसलेगा ना तो आप सीधा नीचे, और नीचे से फिर सीधा ऊपर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। अरे महादेव, कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र कोल्हापुर। कैसा? खाली आपको 2.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। 2.5 घंटा लगेगा मंदिर तक? आगे बर्फ पड़ी है। हाँ जी, होले होले जाओ। ठीक है, दोपहर में भी बर्फ गिरेगी आज। ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेस्ट बेस्ट रहा। आपने इससे पहले जी का जब दर्शन होता है ना, हाँ जी, तो आंखों से आंसू निकलेंगे, है ना, वो फील होता है। वो फील होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चमत्कार है उधर। सही कहा आपने। ठीक है सर, हर हर महादेव। तो जैसे भैया ने बताया, ये सच में होता है। मैंने सबसे पहली बार जो लाइफ में ट्रैक किया था ना, वो मधमेश्वर का था 2016 या 2017 में। तो मुझे भी लिटरली ये फील हुआ था, जैसे भैया ने बताया कि लिटरली आंख से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्स ही ऐसी होती हैं जब आप इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ते हो ना। तो जब वहाँ आरती होती है, आप भले आप आम ज़िंदगी में रोते नहीं हो, बट यहाँ पे आके आप, आपके आंख से आंसू ज़रूर निकलते हैं, क्योंकि यही वो एनर्जी, ये वाइब्रेशन आपको फील होती हैं। इसलिए इन जगहों को शक्ति का केंद्र कहा जाता है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे यहाँ। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह रुद्रनाथ ट्रैक की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। माना जाता है कि यहाँ पे लोग अपने पितरों को पूजते हैं, अपने पितरों को पूजा अर्पित करते हैं, जिस वजह से इस जगह का नाम पितृधार पड़ा। यहाँ से आपको खूबसूरत चौखंबा जैसे, त्रिशूल जैसे पर्वतों के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है, और यहाँ से आपको पूरा 360 व्यू इस जगह का दिखता है। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पितृधार के बाद ढलान ही ढलान है। अब मंदिर की जो हाइट है वो पितृधार की चोटी से कम है। पितृधार सबसे हाईएस्ट चोटी मान सकते हैं हम ये, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे है, वो आपको अचीव करना है। उसके बाद देखो आपकी ये हाइट पूरा डाउन जा रही है। अब हमें पूरा डाउन जाना है यहाँ से मंदिर के लिए, ठीक है। सो अब थोड़ा चलने में थोड़ा आसानी रहेगी, बट अभी क्या है कि यहाँ पे रात को ज़्यादा थोड़ा सा बर्फ गिरी है, तो उस वजह से थोड़ा फिसलन हो रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है चलने में। बस वही कर रहे हैं कि चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे आगे। तो जब आप पनार पे चलते हैं ना, तो पानी आप अपना जो वाटर बॉटल है उसको रिफिल कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे पानी आया है करीबन 6-6.25 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे अपना पानी फिर दोबारा भर लीजिएगा। उसके बीच पानी नहीं रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, गला सूखता है, फिर काफ़ी चीज़ें होती है। तो अब हम यहाँ से पानी भर लेते हैं, ठीक है। Thank you.
दिखा दूंगी। देख रहे हो, बस यहाँ पे जाना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर रह गया, सो करते हैं। और मेरे पे कोई और साधन नहीं है जिससे मैं बैटरी चार्ज कर पाऊँ, सो मंदिर में मिलता हूँ आपसे, फटाफट ये रास्ता पूरा करते हैं। सो अभी मंदिर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया और अपना थोड़ा खाना वाना खाया, और मंदिर के कपाट 12 बजे भोजन के भोग लगने के बाद बंद हो जाते हैं, सो 2 बजे खुलते हैं, तो उसी का वेट कर रहे थे। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ और उसके बाद आगे दर्शन करेंगे, फिर पनार की तरफ बढ़ेंगे अपना। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच जो भी करना है आप कर सकते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी कुछ है। बाकी और अगर अब मैं आपको खाने की बात बताऊँ तो दाल चावल, मैगी और पराठे वगैरह मिलते हैं आपको। सो इसके प्राइस वेरी करते हैं, अलग अलग दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट होते ही रहता है यहाँ पे। बट हमने अभी 2 थाली खाई है 300 रुपये में, सो 150 रुपये आपका दाल चावल का थाली रहता है। बाकी प्रसाद वगैरह आपको इस जगह मिल जाएगा, बाकी आप मंदिर के आसपास भी ले सकते हैं। सो अभी मौसम ठीक है, बादल अभी थोड़ा हल्के हल्के लग रहे हैं, तो कोशिश करेंगे दर्शन करने के बाद तुरंत यहाँ से निकलें और पनार तक पहुँचें। सो आ गए भगवान रुद्रनाथ के द्वार में, और 2 बजते यहाँ पे दोबारा से मंदिर कपाट खुलेंगे और हम दर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, काफ़ी लंबा ट्रैक था और हमने आखिरकार इसको कंप्लीट किया यहाँ पे। अभी दिन के 2 बजने वाले और हमने 1.5 दिन लिया है पूरा ट्रैक पूरा करने में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके से देखने लायक है, ये नीचे पूरा बुग्याल है और सामने नंदा देवी की चोटियाँ, ये इधर शायद त्रिशूल पर्वत भी है, और इसी के पीछे साइड आपका केदारनाथ भी पड़ता है। सो अभी वेट कर रहे हैं मंदिर के कपाट खुलने के। वो कहते हैं ना कि आपके भाग्य में जो लिखा हो वो आपको मिलता जरूर है, तो अब देखिए ना, मैं आज से पहले जिस भी केदार में गया हूँ मुझे कपाट हमेशा खुले ही मिले हैं, और आज भी जब मैं रुद्रनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो भगवान शिव और माता पार्वती की खूबसूरत मूर्तियों के मुझे दर्शन हुए। यहाँ का मानना है कि भगवान शिव के मुख की पूजा यहाँ पे होती है। अगर आप अंदर यहाँ पे मूर्तियों को देखेंगे तो भगवान शिव की मूर्ति आपको थोड़ा सा तिरछी मिलेगी, जिसकी मान्यता ये है कि भगवान शिव यहाँ पे बैठ के नीचे बुग्यालों में गाय भेड़ बकरियों को चरते हुए देखते थे, जो अपने आप में ही काफ़ी सुंदर दृश्य होता था। अब महाभारत की स्टोरी पे किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन इन मंदिरों के स्ट्रक्चर्स को देख के आपको ज़रूर यकीन होगा कि ये कितने ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पे कुछ 6-7 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो माना जाता है कि 5 पांडव के मंदिर हैं, एक उनकी माता कुंती का और एक वन देवी का मंदिर, जो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। दोस्तों मंदिर से थोड़ी देर पहले ही कुछ स्टेज वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पर हेड 600-1000 रुपीज़ ये लेते हैं, और खाना वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। मंदिर के पास एक आश्रम भी है जहाँ पे आप कंबल के आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं एक कंबल के, और वहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर आपको मंदिर के आसपास आश्रम में नहीं रहना है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था इन जगहों पे रह सकते हैं। सो दोस्तों ये था आपका रुद्रनाथ मंदिर का व्लॉग, जहाँ पे आपको मैंने भगवान शिव रुद्रनाथ के दर्शन कराए। पूरी तरीके से नहीं करा पाया क्योंकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। बाकी आपने काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको इस ट्रैक के ज़रिए, आप कैसे आ सकते हैं आपको मैंने पूरी डिटेल इस ट्रैक के ज़रिए बताई है। तो आप प्लान बनाएं 18 तारीख से पहले कपाट 18 तारीख को बंद हो रहे हैं, तो उससे पहले प्लान बनाएं और यहाँ आए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, मुझको भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स देख के। थैंक यू सो मच, सी यू।